नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गुरुजी के टोटके में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई साधना लेकर आया हूं, जो आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगी बहुत जल्द ही, और आपकी बेरोज़गारी को दूर करेगी। तो उस साधना का नाम है श्री महालक्ष्मी योगिनी साधना। ये एक योगिनी की साधना है, जो महालक्ष्मी जी की योगिनी होती हैं, जो महालक्ष्मी जी के दरबार में उपस्थित रहती हैं, ये उन योगिनी की साधना है। ठीक है, तो इसकी मैं आपको बहुत सरल विधि बताने वाला हूँ, और इसकी मतलब बहुत सी विधियाँ हैं, जो आपको सुलभ दिखे, जो आपको सरल दिखे, वो विधि आप अपना सकते हैं। मैं सब प्रकार की विधि आपको बताऊँगा। तो वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, भले ही लंबा सही, लेकिन ये हो सकता है कि आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपकी कोई आपके लिए कोई उपाय आपको मिल जाए, कोई आपको मार्गदर्शन मिल जाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने अगर मेरे वीडियो पर क्लिक किया है तो आप कृपया उस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है कि आपका कोई रास्ता, कोई मार्ग आपको जो दिख नहीं रहा है, वो मार्ग आपको दिख जाए, वो रास्ता आपके लिए खुल जाए। तो ठीक है, तो महालक्ष्मी योगिनी साधना मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये साधना आपको करनी कैसे है वो मैं बताता हूँ। तो ये साधना आपको जो है इस स्फटिक की माला से या कमल गट्ठे की जो माला होती हैं वो बाज़ार में मिल जाएंगी। तो कमल गट्ठे की माला से या स्फटिक की माला से आप कर सकते हैं, और इस साधना में गुरु का होना आवश्यक है। यदि आपके गुरु हैं तो तभी आप इस साधना को करें, या आप पहले आप लोगों ने कभी किसी साधना को संपन्न किया है तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो आपने पहले साधना की उसके अनुभव आपको हो जाते हैं, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन जो नए साधक हैं वो बिना गुरु के इस साधना को ना करें, ठीक है। और ये साधना आप कम से कम 11 दिन कर सकते हैं, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, लास्ट 41 दिन, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो ये साधना आप आरंभ कर सकते हैं। और ये साधना आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। समय जो है रात्रि 9 बजे से है, रात्रि 9 बजे से और रात्रि 12 बजे के बीच में, रात्रि 12 बजे तक आप ये साधना कर सकते हैं। 9 बजे स्टार्ट कर सकते हैं, 10 बजे स्टार्ट कर सकते हैं, और 12 लास्ट 1 बजे तक ये साधना आप संपूर्ण कर सकते हैं। तो 9 से और 12 या 1 बजे तक का इसका समय है, इस बीच आप कभी भी साधना शुरू कर सकते हैं। 1 बजे के बाद आपको ये साधना नहीं करनी है, समझ गए? रात को 1 बजे के बाद ये साधना नहीं करनी है, 1 बजे तक आपको समापन करना है। हो सके तो 12 बजे ही आप समापन कर दें साधना का, 9 बजे स्टार्ट करके या 10 बजे स्टार्ट करके, तो वो ही उचित रहेगा। और साधना काल में जब भी आपको समय मिले, रात को तो जाप करना ही करना है, अगर आपको दिन में भी समय मिले तो आपको माला लेकर बैठ जानी है और जाप शुरू करना है। और माला से ना हो सके दिन में तो आप मानसिक जाप कर सकते हैं, उसकी भी गिनती होती है। कहते हैं ना 1.25 लाख मंत्र आप जाप कर लोगे तो आपको सिद्धि मिल जाएगी। तो बहुत से लोगों को 11 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप नहीं हो सकते, बहुत से लोगों के लिए असंभव सा होता है। तो जब भी दिन में उनको समय मिले तो माला लेकर बैठ सकते हैं, या माला लेकर नहीं बैठ सकते तो मानसिक जाप कर सकते हैं, उसकी भी गिनती होती है, उसकी मानसिक जाप की गिनती और रात को जो आप माला से करते हैं उसकी गिनती दोनों ऐड हो जाएंगी आपस में, दोनों आपस में जो है जुड़ जाएंगी। तो उसकी भी मानसिक जाप की भी गिनती होती है और माला की भी गिनती होती है, जैसा आपको उचित समझे। और एक बात मैं और बता दूं कि साधना काल में अगर आपको रात को जप करते हैं तो यही नहीं कि अरे अब तो रात को ही जप करेंगे, या रात को, बहुत से मैंने देखा है कि रात को जब जाप का समय नज़दीक आता है तो बहुत से लोग जो है आलस से कर जाते हैं कि अरे यार ये साधना मुझे करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आलस से ये साधना आप करेंगे कि अरे यार ये साधना मुझे करनी पड़ेगी, तो ये साधना आलस से कभी सिद्ध नहीं होने वाली है, क्योंकि जो आलस्य या बोझ मानकर इस साधना को करते हैं तो ये साधना जो है ज़िंदगी भर बोझ ही बन जाती है, ये कभी सिद्ध नहीं होती। तो जो भी आप साधना करें या साधना करने की सोच रहे हैं या साधना के क्षेत्र में
आप उतरने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि साधना हमेशा श्रद्धा से और भाव से करनी चाहिए, आलस्य से नहीं। एक बात का ध्यान रखें, दिन में जब भी समय मिले उस जाप करते रहें, और रात को तो आपको करना ही है, तो रात को कम से कम आपको रोज़, आप अगर आप 11 दिन की साधना कर रहे हैं तो रात को कम से कम आपको इसकी 21 माला करनी है, ठीक है? 21 माला रोज़ करनी है। अगर आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं तब भी 21 माला रोज़ करनी है, 11 दिन की साधना कर रहे हैं तब भी 21 माला रोज़ करनी है, और जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए तो आप 11 दिन के बाद या 21 दिन के बाद इसका दशांश हवन कर सकते हैं। इसका अगर आप हवन नहीं कर सकते, मतलब आप दशांश हवन भी नहीं कर सकते, तो आप 108 मंत्र का यानी कि एक माला का आप हवन ज़रूर करें 21 दिन पूरे होने पर या 11 दिन पूरे होने पर। और यदि आप मतलब एक माला का हवन भी ना कर सकें तो बाज़ार से हवन सामग्री लेकर किसी देवी मंदिर में आप दान कर आएँ, मतलब बाज़ार से हवन सामग्री लेकर आप किसी देवी मंदिर में किसी पुजारी को दे आएँ, तो उसको तो भी आपको जो है हवन का पुण्य प्राप्त होगा। अगर आप हवन नहीं कर सकते किसी स्थिति में, तो हवन सामग्री जो है मंदिर में दान कर रहा है तो उसका हवन का पुण्य आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये साधना जब आप शुरू करेंगे ना, तो पहले दिन से ही महालक्ष्मी योगिनी जो है आपके बिगड़े कार्य बनाने में लग जाएंगी, पहले दिन से ही। और जब ये साधना करें तो संकल्प लें कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक गोत्र से जो है अपने गुरु को साक्षी मानकर महालक्ष्मी योगिनी साधना करने जा रहा हूँ, और मैं देवी के और देवी की मैं कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, उनके दर्शन की अभिलाषा ना रखें बिल्कुल भी। संकल्प में आप ये बोल सकते हैं कि उनकी इच्छा हो तो वो दर्शन दे सकती हैं, अगर वो अपनी प्रसन्न हो मुझसे तो अपनी प्रसन्नता के लिए वो मुझे दर्शन दे सकती हैं, नहीं तो मुझे उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, मेरे सारे बिगड़े कार्य बन जाएं, ऐसा आप बोल सकते हैं। अगर आप देवी के दर्शन की अभिलाषा से ये साधना करेंगे तो ये साधना बहुत खतरनाक हो जाएगी, बहुत भयानक अनुभव आपको होने लग जाएंगे। तो दर्शन की अभिलाषा से नहीं, दर्शन तो देवी जब आपसे प्रसन्न होंगी तो वो अपनी प्रसन्नता से दर्शन दे ही देंगी। आपको ये बोलना है कि मेरे सभी कार्य सिद्ध हों, देवी की कृपा प्राप्त हो, जो भी मेरी बेरोजगारी है वो समाप्त हो जाए और मेरे धन के रास्ते खुल जाएं। ये आपको संकल्प में बोल के, हाथ में जल लेके ये संकल्प बोल के गुरु को साक्षी मानकर, और संकल्प बोलने के बाद जल को ज़मीन में छोड़ देना है, ठीक है? और यकीन मानिए, जब ये आप साधना शुरू करेंगे तो पहले दिन से ही महालक्ष्मी योगिनी जो है आपके कार्य बनाने शुरू कर देंगी। 21 दिन होते होते आपको अनुभव शुरू होने लग जाएंगे। अनुभव कैसे आपको होने लगेंगे कि आपके जो बिगड़े कार्य हैं वो धीरे धीरे बनने लगेंगे, उसके रास्ते खुलने लगेंगे, तो समझ जाना महालक्ष्मी योगिनी अपना कार्य उन्होंने आरंभ कर दिया है। तो विश्वास के साथ ये साधना करनी है, ठीक है? अभी मैं साधना की आपको मैंने संकल्प बता दिया आपको, और महालक्ष्मी योगिनी की मतलब कैसे कार्य करती हैं वो बता दिया, और अब मैं इसकी जो है आपको विधि बताता हूँ। तो विधि क्या है, देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसकी विधियाँ तो बहुत हैं, श्रृंगार का सामान रखो, चूड़ी बिंदी सब रखो, साड़ी वाड़ी सब रखो, पूजा भोग भी आप लगा सकते हैं। अगर आप भोग भी नहीं लगा सकते तो कुछ नहीं करना आपको, एक चौकी लीजिए, चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछा के उस पर अष्टकमल यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला फूल बना लीजिए सफ़ेद चंदन से, ठीक है? और उस पर महालक्ष्मी जी का फ़ोटो, एक लक्ष्मी जी की तस्वीर रख दो छोटी सी, और साथ में जो भी आपके इष्ट देव हैं, भगवान कृष्ण या भगवान भोलेनाथ या आपके जो गुरु हैं जो जीवित हैं या आपके जो गुरु हैं उनकी आप साथ में तस्वीर रख सकते हैं। तो पहले आपको जो है एक माला गणेश मंत्र की करनी है, ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद जो है आपको एक माला जो है अपने गुरु की करनी है, जो गुरु जैसे ओम श्री गुरुवाय नमः, ऐसे आपको एक माला गुरु की करनी है, या गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया आपको किसी भी इष्ट का, भगवान भोलेनाथ का या भगवान श्री कृष्ण का या देवी का, एक माला उस गुरु मंत्र की करनी है आपको। उसके बाद मंत्र का उत्कीलन करना है। देखिए, YouTube में
में जो है साधना तो बहुत से लोग बता देते हैं, लेकिन असली चीज़ कोई नहीं बताता कि मंत्र का उत्कीलन, ये कोई नहीं बताता। जब तक मंत्र उत्कीलन नहीं होता है, जब तक मंत्र जागृत नहीं होता है, तब तक वो कार्य नहीं करेगा, सिद्धि जल्दी से प्राप्त नहीं होगी। तो YouTube वीडियो में मतलब साधना तो बहुत बता देते हैं, लेकिन मंत्र का जो उत्कीलन होता है वो कोई नहीं बताता। तो पहले गणेश मंत्र, फिर गुरु मंत्र का जाप एक माला, फिर तीसरे नंबर पर जो है मंत्र का उत्कीलन करना है। मंत्र का उत्कीलन कैसे करते हैं वो बाज़ार में आपको किताब मिल जाएगी मंत्र उत्कीलन की, या दुर्गा सप्तशती में आपको मंत्र उत्कीलन की विधि मिल जाएगी। दुर्गा सप्तशती जो होती है उसमें आप देख लेना कि मंत्र उत्कीलन कैसे होता है, या कोई आपको जानकार गुरु या पंडित जी हों तो वो आपको बता देंगे कि मंत्र उत्कीलन कैसे होता है। तो मंत्र का उत्कीलन करना है, और फिर एक मंत्र उत्कीलन के बाद एक माला भैरव जी की करनी है, ओम श्री भैरवाय नमः, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भैरव जी, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, मेरी साधना में कोई नेगेटिविटी ना आए, कोई नकारात्मक शक्ति ना आए, आप सभी नकारात्मक शक्तियों से मेरी रक्षा करना और मेरी साधना को सफल बनाना। ऐसे भैरव जी से प्रार्थना करके एक माला उनकी करनी है ओम श्री भैरवाय नमः से, ठीक है। फिर मूल मंत्र का आपको जाप करना है, महालक्ष्मी जी का जो मूल मंत्र है उसका जाप करना है 21 माला, कम से कम 21 माला से। अगर आप वास्तव में ही अपनी ज़िंदगी, अपने लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो कम से कम 21 माला से, और नहीं 21 माला आपसे हो रही है तो 11 माला से आपको कम करना ही नहीं है, कम से कम 11 माला, और नहीं तो 21 माला तो बहुत कंपलसरी हैं। और जैसे आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते तो 11 माला आप करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मूल मंत्र का आपको फिर जाप करना है, और मूल मंत्र क्या है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और वीडियो की स्क्रीन में भी आपको मैं बता दूंगा। तो मूल मंत्र इस प्रकार है महालक्ष्मी जी का, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो ये मंत्र है और ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और जो है डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सी साधनाएं देखने को मिल जाएंगी, अप्सरा साधना, ठीक है, भूतनी देवी साधना, और बहुत सी साधनाएं आपको और बहुत से उपाय आपको डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार मेरा जो है डिस्क्रिप्शन जो है आप ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मूल मंत्र तो मिलेगा ही, साथ में और साधनाओं के लिंक भी मैं डाल दूंगा, वो भी आपको मिल जाएंगे, तो चेक कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है महालक्ष्मी योगिनी साधना का, और जब आपकी महालक्ष्मी योगिनी साधना जो है आपकी 21 दिन की या 11 दिन की पूरी हो जाए और हवन भी आप कर दें, हवन की मैंने विधि बताई दी है पहले, तो जब आपकी साधना संपन्न हो जाए हवन के साथ में और आपको कुछ अनुभव होने लगे, तो फिर 11 दिन की साधना आप दोबारा से कर सकते हैं किसी भी शुक्रवार से, लेकिन वो शुक्रवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। और फिर आपको और अनुभव होने लगे तो आप जो है आगे साधना कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है आपकी जो साधना संपन्न हो जाए 21 दिन की या 11 दिन की, उसके बाद से रोज़ आप जो है एक माला, कम से कम एक माला या पांच माला, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, सुबह या शाम में महालक्ष्मी योगिनी की नाम की आप कर सकते हैं। अगर आप एक माला भी महालक्ष्मी योगिनी की नाम की करेंगे तो आप देखेंगे कि एक साल तक अगर आपने महालक्ष्मी योगिनी की मंत्र का जाप किया एक माला रोज़ एक साल तक आपने, तो आप देखेंगे कि साल भर के अंदर आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आपके जो काम अटके हैं वो फटाक से पूरे हो जाएंगे, धन के रास्ते इतने खुल जाएंगे, इतने धनवान हो जाएंगे आप कि धन आप पे संभलेगा ही नहीं, इतने शक्तिशाली हो जाएंगे आप। तो साधना संपूर्ण होने के बाद कम से कम एक माला आपको जीवन भर तक महालक्ष्मी योगिनी की जपनी है, और आप इसका जो है आपका इसका जो परिणाम होगा वो आपके आँखों के सामने होगा। तो ये मैंने आपके सामने जो है महालक्ष्मी योगिनी की साधना रखी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये साधना आपको कैसी लगी, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल गुरुजी के टोटके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी साधना या ऐसे उपाय मैं जब भी लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो मेरे
मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।